श्री रानी सती महिला मंगल समिति के सदस्य किरण पोदार ने शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि श्री रानी सती दादी परिवार मंगल महिला द्वारा होने वाले अष्टादश दो दिवसीय श्री रानी सती दादी मंगल पाठ का आयोजन सिविल लाइन स्थित एक निजी होटल में 13 अगस्त एवं 14 अगस्त को आयोजित किया जाएगा, जिसमें 13 अगस्त को 113 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो गोरखनाथ मंदिर 10 नंबर बोरिंग होते हुए लक्ष्मीपुर दादी जी के मंदिर पर जाकर समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि यात्रा में सभी महिलाएं लाल साड़ी एवं लाल चुनरी में सुसज्जित होकर भक्ति भाव से चलेंगी तथा 14 अगस्त को भव्य झांकी, सुंदर दरबार, फूलों का श्रृंगार महोत्सव का मुख्य आकर्षक होगा। मंगल पाठ गायन सूरत की ख्याति प्राप्त गायिका सुरभि बिरजू द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर प्रीति खेतान, उमा पुद्यार, साधना लीलारिया, सुनीता टिबड़ेवाल मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्री रानी सती महिला मंगल समिति के सदस्य किरण पोदार ने कहा, जय दादी की। हम लोग दादी जी के उत्सव के लिए प्रेस वार्ता कर रहे हैं और इस समय हम लोग जितनी भी महिलाएं बैठी हैं सब दादी मंडल महिला की समितियां महिलाएं हैं और दादी जी का वार्षिक उत्सव भी मना रहे हैं, जो कि 13 तारीख को कलश यात्रा है और 14 तारीख को दादी जी का वार्षिक उत्सव है। हम लोग इसमें 101 महिलाएँ हैं, लेकिन कलश 113 उठ रहे हैं और भी पब्लिक लेती है, इसलिए बाहर से एक तो हमारी गायिका आ रही हैं सुरभि बिजुर्गा जी सूरत से, बाकी और भी भक्त आते हैं बाहर से दादी जी का उत्सव मनाने के लिए। कलश यात्रा गोरखनाथ मंदिर से उठती है और दादी जी के मंदिर लक्ष्मीपुर तक जाती है। दादी जी हमारी कुलदेवी हैं जो कि राजस्थान में रहती हैं और राजस्थान में उनका मंदिर है झुंझुनू धाम में और हम लोग सबकी कुलदेवी हैं वो और हम लोग उनकी पूजा करते हैं। महाभारत काल में जब चक्रव्यूह की रचना हुई थी और अभिमन्यु को उसने लोगों ने मतलब फंसा करके और उनकी हत्या कर दी थी, तब उनकी पत्नी जो उत्तरा थी वो गर्भवती थी तो वो सती होने की सोचने लगी, तो भगवान कृष्ण ने उनको रोक दिया, कहा अभी बेटा तुम अभी सती मत हो क्योंकि तुम जो है कलयुग में दादी जी के नाम से तुम ही पूजी जाओगी। तो वही उत्तरा ने जन्म लिया दादी जी के रूप में, आज हम लोग उन्हीं को पूजते हैं, उन्हीं का जन्म हुआ दादी जी के नाम से। यही इतिहास है उनका, यहीं से इतिहास शुरू है, महाभारत काल से उनका इतिहास। रथ यात्रा शाम को 4 बजे।